चलो यहाँ से। ठीक है। मुझे बहुत डर लग रहा है जॉय। तुम्हें याद है ना पिछले बार तालाब के पास क्या हुआ था? हाँ याद है। जॉय टूटा हुआ पाँव लेकर मुझे पूरे हफ्ते घर पे बैठना पड़ा था। तुम भी ना अपने आप को सबसे बड़े हॉरर नॉवलिस्ट डॉक्टर भनोत के फैन बनकर क्या प्रूफ करना चाहते हो जॉय? जॉय मैं तुम्हें बता रही हूँ ये सब ना एकदम तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। प्रीति अब मेरे गुरु डॉक्टर भानोट के बारे में तुम कुछ नहीं बोलोगे। तुम्हें पता है अक्सर ऐसी जगहों पर उनके कहानियों के नॉवेल्स के किस्सों ने ही मुझे बचाया। सो यू बेटर कीप क्वाइट एंड फॉलो मी। ओके गुड। पागल हो गया? अपनी शक्ल तो देखो। अब यकीन हुआ कि आत्माओं जैसी कोई चीज नहीं होती है? तुमने कभी देखा नहीं इसे? तुम्हें यकीन नहीं? डॉक्टर भानोट की कहानियां कभी पढ़ के देखो। ये सारी आत्माएं होती है और मुझे यकीन है। हेलो। हेलो, मैं जॉय से बात कर सकता हूँ? जी आप बात कर रहे हैं, आप कौन? मैं डॉक्टर भानोट बात कर रहा हूँ। डॉक्टर भानोट? सर मैं जॉय ही बात कर रहा हूँ। सर आई कैन बिलीव कि मैं आपकी आवाज सुन के कितना एक्साइटेड हो गया हूँ। सर आई कैन बिलीव दिस इज मैजिक। कैसे हैं आप सर? मुझे तुम्हारे लेटर्स मिले, मेरे नॉवेल्स को बहुत गौर से फॉलो करता हूँ। सब मैं बता नहीं सकता आपको कि मैं कितना एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। सर मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ, बस एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ। सर मैंने भी इसीलिए फोन किया। तुम कल शाम को मुझे शिकारपुर क्लब में मिलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आई होप तुम्हें अच्छा लगेगा। सर अच्छा क्या? बहुत अच्छा लगेगा। सर मैं आपसे मिल पाऊंगा, इससे बड़ा सरप्राइज क्या हो सकता है मेरे लिए? मैं जरूर आऊंगा सर। ओके बाय। यस सर, सी यू, बाय। यस। ये रास्ता हमें सीधे शिकारपुर ले जाएगा सर। पता है मुझे, अब आगे देख के चलाएंगे। ठीक है सर। पता है यहाँ शिकारपुर में एक दीवान महल है, वहाँ बहुत आत्माएं रहती हैं। आत्माओं के डर से यहाँ कोई आता जाता तक नहीं है। अरे आप आगे देख के चलाइए ना, बार बार पीछे देख रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया तो। हमें जल्दी पहुँचना है प्लीज। ठीक है साहब। ड्राइवर आगे गाड़ी रोक देना। अरे कहाँ साहब, आगे कोई नहीं है। अरे हम आपसे कह रहे हैं कि आगे रोक दीजिए तो रोक दीजिए। कौन था ये पागल? मैंने कहा था ना साहब, ये जगह खतरों से खाली नहीं है। ठीक है आप आगे देख के चलाइए प्लीज, यहाँ मत देखिए और अब कहीं नहीं रुकाना, सीधा शिकारपुर में रुकेंगे। ठीक है सर। एक लड़के से मेरी बात हुई है और आज के दिन के बारे में तो तुम जानते ही हो। आज महीने की आखिरी तारीख है जब आत्माएं सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं और आज ही मैं उस लड़के को दीवान महल भेजूंगा। भानोट, उस लड़के को तो दीवान महल के खतरों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होगा, लेकिन हम तो अनजान नहीं है यार। मत करो ऐसा, मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुमको क्या मजा आता है दूसरों की जिंदगी ऐसे दांव पर लगाकर। तुमसे अच्छा और ये कौन जान सकता है मल्होत्रा,
मेरी कहानियां बनती ही है इन किस्सों पर। और पैसे तो तुम भी बनाते हो पब्लिशर साहब, बनाते हो ना? अभी किसी भी वक्त वो लड़का यहां आता ही होगा। हेलो सर। सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपसे मिल रहा हूं। जॉय? यस सर। सर कल आपने फोन किया था मुझे। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। बैठो, कम ऑन, जॉइन अस। थैंक यू सर। इनसे मिलो। यह है मिस्टर मल्होत्रा, यही मेरी कहानियां पब्लिश करते हैं। हेलो सर, जॉय। हेलो मल्होत्रा। जॉय ने मुझे बहुत सी चिट्ठियां लिखी और इसकी चिट्ठियों से साफ पता चलता है कि इसे मेरी किताबें और कहानियों में कितना इंटरेस्ट है। इतना ही नहीं बल्कि मेरी कहानियों के पीछे के सच का पता लगाने का इसे इतना ही शौक है जितना शायद मुझे। क्यों? बिल्कुल सर। इनफैक्ट जिंदगी में कभी भी कोई ऐसे रास्ते पर आता हूं जहां कुछ समझ में नहीं आता कि आगे क्या करूं, तब आपके किताब के किरदार को याद करता हूं कि वो उस वक्त क्या करता है। सर उसी को फॉलो करता हूं और हमेशा निकल जाता हूं। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें दीवान महल भेजूंगा और अगर आज की पूरी रात तुम वहां गुजार लो, मेरी अगली नॉवेल मैं तुमसे लिखवाऊंगा। सर बिल्कुल, मैं बिल्कुल जाऊंगा सर। भानोट देखो, ये तो बच्चा है, ये सब मत करवाओ इससे। देखो बहुत ताकत चाहिए उन आत्माओं की आंखों में आंखें डालने के लिए। मल्होत्रा जी आप एक मौका तो दीजिए, मैं कर लूंगा। सर मैं दीवान महल में जाऊंगा सर, प्लीज। ठीक है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं जॉय, कि दीवान महल में इतनी आत्माओं का वास है कि आज तक वहां एक घंटे से ज्यादा कोई भी नहीं रुक पाया, मैं भी नहीं। कहानी आत्मा की जुबान, इस वाली किताब में आपने इस बारे में जिक्र किया था सर, मुझे सब याद है सर। मुझे लगता है मैं कर पाऊंगा, मैं दीवान महल जरूर जाऊंगा। वो किताब तो कुछ भी नहीं जॉय, जब तुम दीवान महल से लौटोगे तो इससे भी ज्यादा बड़ी किताब तुम लिखोगे। लेकिन इन सबको मजाक बिल्कुल मत समझना, क्योंकि उस रात जब मैं और मल्होत्रा दीवान महल गए थे, तब मौत की मुट्ठी से हम जिंदगी खींच कर लाए थे। क्यों, याद है ना मल्होत्रा? सुनसान सड़क पर इतनी रात को कौन बेचारा फंस गया होगा? बहुत बुरा आइडिया है बेटा, तुम वहां नहीं जाओगे, तुम वहां नहीं जाओगे। मैं कह रहा हूं बेटा तुम वहां नहीं जाओगे। लेकिन सर मुझे जाना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। सर मैंने इनकी सारी किताबें पढ़ी है और इनकी कहानियों ने हमेशा मेरा साथ दिया है और मुझे पूरा यकीन है वो आज भी देंगे। प्लीज सर, भानोट सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ठीक है, हम तुम्हारे लौटने का इंतजार करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
जॉय, हेलो हेलो जॉय, जॉय कहाँ हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? अरे मुझे कितनी चिंता हो गई थी तुम्हारी, कितनी बार मैंने तुम्हारा फोन ट्राई किया, कम से कम एक फोन तो कर सकते हो ना तुम। प्रीति मैंने तुम्हें फोन करने की कोशिश की थी, पर तुम्हें पता है यहाँ शिकारपुर में नेटवर्क ही नहीं होता, और जैसे नेटवर्क आया मैंने तुम्हें फोन कर दिया। तुम्हें पता है डॉक्टर बानोट ने मुझे चूज किया है। चूज किस किस चीज के लिए चूज किया? प्रीति वो मुझे शिकारपुर में दीवान मेंशन भेज रहे हैं, और वो भी आज रात को। ये सब क्या है जॉय? तुम ये सब क्या कह रहे हो? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? देखो ये सब बेवकूफी छोड़ो और वापस आ जाओ। इस तरह अकेले कहीं जाने की जरूरत नहीं। अरे यार फिर वही, तुम्हें पता भी है डॉक्टर बानोट ने मुझे क्या कहा? अगर आज की रात मैं दीवान मेंशन में सक्सेसफुली गुजार लेता हूँ तो उनकी अगली नॉवल का राइटर मैं बनूंगा। यू नो इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, और तुम मुझे कुछ नहीं होगा, मैं आई बी फाइन। देखो तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो, मुझे तुम्हारी ये सब बातें कुछ समझ में नहीं आती। मैं सिर्फ तुम्हें इतना कह रही हूँ, अभी तुम्हें ये सब बातें सुन नहीं रहे, बट प्लीज टेक केयर हाँ, और बीच बीच में मुझे फोन करते रहना हाँ। प्रीति मुझे नहीं मालूम दीवान मेंशन में नेटवर्क होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो जरूर फोन करूंगा। जस्ट टेक केयर, बाय बाय। कोई नहीं, आइए। मैं हूं तुम्हारे साथ, आओ। इतनी बड़ी हवेली किसकी हो सकती है? ये दीवान महल है, यहां कोई नहीं रहता। मैं भी यहां पहली बार आया। वैसे तुम्हारा पीछा कौन कर रहा था और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जारा है। मैंने और मेरे भाई ने इस हवेली के बारे में बहुत सारी डरावनी कहानियां सुनी थी,
और एक दिन सच का पता लगाने मेरा भाई यहां पर आया और कभी वापस नहीं लौटा। इसलिए उसे ढूंढने मैं यहां पर आई हूं। और बाहर बगीचे में एक डरावना सा आदमी था, अगर आप नहीं होते तो वो आदमी मुझे मार डालता। देखिए, मुझे मेरे भाई को ढूंढना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? जरूर करूंगा सारा। वैसे भी मुझे आज की रात इस हवेली में गुजारनी है, मैं तुम्हारे भाई से जरूर मिलाऊं। वैसे आपने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। मेरा नाम जॉय है। आप कुछ कह रहे थे कि आप इस हवेली में एक रात गुजारना चाहते हैं, पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं एक राइटर हूं और आत्माओं पर रिसर्च करने आया हूं और उन पर एक कहानी लिखना चाहता हूं। आत्माओं पर? तभी तो ऐसी जगहों पर आते जाते रहता हूं जहां पर आत्माओं का वास होता है। चलकर देखते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत सारा, हो सकता है वहीं पर तुम्हारा भाई मिल जाए। मैं हूं ना, चलो पर संभल कर। तुम यही रुको, मैं देखता हूं। जॉय, सारा संभाल कर। यहां तो कोई नहीं है। डॉक्टर बानोट की किताब में लिखा था कि आत्मा आग से डरती है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। Thank you.
सारा 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 Excuse me. आपने किसी लड़की को देखा? आवाज तो यहीं से आई थी. हेलो मैम, मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि डॉक्टर भानोट की किताब आत्माओं का हमला में लिखा था, जब सुशील के ऊपर वो आत्मा हमला करती है तो सुशील एक लंबी सी सांस लेकर उसके बालों को हाथ में जकड़कर जोर जोर से खींचता है और देखते ही देखते वो आत्मा गायब हो जाती है. मुझे भी यही करना होगा. आज फिर डॉक्टर भानोट की कहानियों ने मुझे बचा लिया. उसे खत्म कर देगा. जी भानोट, भानोट ने कितनी ही जिंदगियों के साथ खेला है अपनी कहानियों के लिए, लेकिन लेकिन मैं तो उस महल के बारे में सब कुछ जानता हूं. उस लड़के को वहां अकेला नहीं छोड़ सकता. मुझे कुछ करना होगा. जारा! कहां गई है? कहीं से कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, ये जरूर किसी और कमरे में छुपी होगी. मुझे इसे ढूंढना होगा. जारा को ढूंढ रहे हो? कौन है वह? मैं पूछता हूं, कौन है वह? दीवान साहब, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है. ये मुझे चाहिए, दे दो मुझे. नहीं, तुम इसके सामने जाते हो? नहीं, आप चले जाओ यहां से. जाओ.
चाबी भी होगी। सारा और ये लड़का तो ये तो सारा की आवाज है। तो वहां सीढ़ियों पर था। ये कपड़े तो किसी लड़की के लगते हैं। ये तस्वीर तो सारा की है। ये तो सारा ही है। सारा की तस्वीर इस कमरे में कैसे आ सकती है?
सारा तो खुद इस हवेली में पहली बार आई थी। वो तो क्या हुआ? मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे बचा लीजिए। वहाँ कोई है, वो मुझे मार डालने का कोई। इसका मतलब सारा ने मुझसे झूठ बोला? मैंने और मेरे भाई ने इस हवेली के बारे में बहुत सारी डरावनी कहानियां सुनी थी, और एक दिन सच का पता लगाने मेरा भाई यहाँ पर आया और कभी वापस नहीं लौटा, इसलिए उसे ढूंढने मैं यहाँ पर आई हूँ। सारा मुझसे झूठ कैसे बोल सकती? मैंने तो उसकी मदद की, उसके भाई को ढूंढ रहे हैं। कुछ भी हो सकता है जॉय, सवेरे में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि सारा भी एक आत्मा हो। पहाड़ में गई किताब, बेटा जॉय जिंदा रहोगे तो कुछ लिखोगे। जल्द से जल्द इस हवेली से बाहर निकलने का रास्ता। ये कौन हंस रहा है? कौन है? कौन हंस रहा है? ए? जॉय, कौन है वहां? जॉय, तुम्हें पता है एक बार इस दीवान महल में जो आता है ना, वो वापस नहीं जाता। ये सब एक सपने जैसा है, एक बहुत बुरे सपने जैसा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जरा मेरे करीब मत, जरा वहीं रुक जा, जरा मेरे पास मत आना। जॉय, तुम तो मेरी मदद करने आए थे ना, तो अब मुझसे डर क्यों रहे हो? सारा भाई रुक जाओ, मुझे तुम्हारी मदद करनी नहीं चाहिए थी। डरा रही हो मुझे? जरा प्लीज मुझे छोड़ दो, जरा मुझे तो बस एक रात गुजारनी थी हवेली में। मुझे नहीं पता था कि यह सचमुच में, सर मुझे जाने दो। छोड़ दो तुम्हें, ठीक है जाओ, भाग जाओ यहां से, भाग कर जाओगे कहां? तुम्हें पता है यहां पर लोग आते हैं अपनी मर्जी से, पर जाते हैं मेरी मर्जी से। और मेरी मर्जी ना उन्हें जिंदा वापस नहीं जाने देती। जॉय,
डर क्यों रहे हो? मेरी मदद करने आए थे ना, जान देगा ना, अब मेरी मदद कर दो। नहीं सर, हम हमेशा साथ में रहेंगे। आओ मेरे पास आ, आओ जॉय, आओ जॉय, आओ आओ जॉय। दरवाजा अंदर से बंद है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ दोस्त, किसी को ढूंढ रहे हो? वो एक्चुअली डॉक्टर भानोत ने मुझे यहां भेजा था। अगर आज की रात में यहां गुजार लेता हूं तो शायद उनकी अगली किताब लिख पाऊंगा। पर आप? ओ, तो डॉक्टर भानोट ने भेजा? हाँ। अच्छा, वो क्या है ना कि मैं भी आज की रात यहीं गुजारने वाला हूं। तुम रहोगे तो डर थोड़ा कम लगेगा, है ना? हाँ। आओ अंदर आओ। थैंक यू। वैसे आपने भी तो कहाँ चला गया है? दरवाजा कैसे बंद हो गया? हेलो, अभी तो यही था। मैंने आपको पहचाना ना। जी, एक्चुअली कहीं इस महीने की आखिरी रात आप हमारे साथ तो बिताने नहीं आए? जी, पर आपने आने में बड़ी देर कर दी। हम सबको कब से आपका इंतजार था। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।